इसराइल के पास अभी एक ऐसी सिस्टम मौजूद है जो कि S-400 सिस्टम को चकमा दे सकता है। HAL, बोइंग और महिंद्रा डिफेंस अभी एक साथ MMR से टेंडर में F-15EX को सिलेक्ट कराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंडियन आर्मी के लिए अभी 14,000 करोड़ की अकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा गया है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स को अभी 22 अपाचे हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं और भारत के बाद यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी टिकटॉक को बैन करने के साथ साथ चाइना के खिलाफ भारत को मिलिट्री सपोर्ट देने के लिए भी ऑफर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को लेके है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात करें तो इसमें इसराइल सबसे ऊपर है। इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट में भी इसराइल की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगे हुए हैं, जिस वजह से ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा फायर किए गए अमराम मिसाइल को आसानी से डॉज कर गया था। अब इसराइल की बात करें तो सबसे पहले जब यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इसराइल को F-16 को दिया गया तो इसराइल ने उसमें अपने हिसाब से खुद की एवेनिक्स लगाना शुरू कर दिया था, और इनफैक्ट उस वक्त इसराइल के F-16 टेक्निकल लेवल में यूनाइटेड स्टेट की F-16 को आउट परफॉर्म करने लगे थे। अभी की बात करें तो भारत के लिए चाइना का S-400 सिस्टम काफी चिंता पैदा कर रहा है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक चाइना ने अपने होटान एयरवेज के आसपास और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में S-300 सिस्टम के साथ साथ S-400 सिस्टम को भी डिप्लॉय करके रखा हुआ है। अब बदले में हमारे पास कोई भी S-400 सिस्टम अभी मौजूद नहीं है, और अगर हमारे जेट्स चाइनीज एयरस्पेस में जाते हैं तो S-400 सिस्टम उनको आसानी से डिटेक्ट कर सकता है और उनको मार गिरा सकता है। भले ही पहाड़ की वजह से या फिर हायर अल्टीट्यूड में प्लेस करने की वजह से चाइना की S-400 सिस्टम की एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये काफी खतरनाक है। कुछ डिफेंस जानकारों का मानना है कि इसराइल के पास अभी इसका एक तोड़ मौजूद है। तोड़ से आप लोग ये मत समझ लेना कि हम सीधे जाके S-400 सिस्टम के ऊपर बैठ जाएंगे, उसको पता तक नहीं चलेगा। लेकिन इसराइल के रफाइल एडवांस सिस्टम के पास अब एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है जो कि शायद S-400 सिस्टम से हमारे प्लेन्स को बचा सकता है। और अगर इंडियन एयरफोर्स को तिब्बत में मौजूद पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के बेस के ऊपर जाके स्ट्राइक करने को कहा जाता है तो इन सिस्टम की मदद से वो चाइना की एयर स्पेस में उनकी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देके जाके स्ट्राइक कर पाएंगे। इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के 3 पार्ट है जो कि 3 अलग अलग लेवल में काम करते हैं। सबसे पहले सिस्टम का नाम स्काई सेल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग सिस्टम है। ये सिस्टम दुश्मन की रडार में आने वाले रेडियो वेव्स के साथ छेड़छाड़ करता है, जिस वजह से वो वीक हो जाते हैं और इसलिए दुश्मन के रडार में हमारे प्लेन नजर नहीं आते हैं, और अगर नजर आते हैं तो काफी करीब जाके नजर आते हैं और जैसे फाइटर जेट दिखते हैं वैसे नहीं दिखते हैं, तो दुश्मन को पता नहीं चलता है कि ये क्या चीज है। कभी कभी जब प्लेन दुश्मन के रडार में आ जाते हैं तो तब ये बहुत सारे फेक सिग्नल को जनरेट करते हैं, जहां पर दुश्मन के रडार में बहुत सारे प्लेन की मौजूदगी दिखाई पड़ती है, जिसमें से दुश्मन को ये पता नहीं लगता कि इसमें से कौन सा वाला एक्चुअल एयरक्राफ्ट है और किसके साथ एंगेज होना है। अब इसराइल की सिस्टम की खास बात यह कि अगर हमारी कोई स्ट्राइक पैकेज चाइना की एयर स्पेस में जाके स्ट्राइक करने के लिए घुसता है तो उस पैकेज में किसी एक एयरक्राफ्ट में अगर ये सिस्टम मौजूद होगा तो पूरी की पूरी स्ट्राइक पैकेज वहां पर दुश्मन के रडार में नजर नहीं आएंगे, और जब तक इनका पता लगता है तब तक ये काफी करीब आ जाते हैं और अपने स्ट्राइक करके निकल लेते हैं। अब इसके बाद हर एक एयरक्राफ्ट में भी लाइट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को लगाया जा सकता है। ये मेनली एक पावरफुल जैमर है जिनको लाइटनिंग पॉड में लगाया जाता है, और ये हमारे एयरक्राफ्ट को सरफेस टू एयर मिसाइल के साथ एंगेज होने में काफी मदद करता है, यानी कि हमारे फाइटर जेट को उतना टाइम मिल जाता है जितने में हमारे फाइटर जेट दुश्मन के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के ऊपर जाके स्ट्राइक करके वहां से निकल सके। अब अंत में अगर हमारे प्लेन जाके स्ट्राइक करके वापस आ रहे हैं और इतने में दुश्मन का कोई और सरफेस टू एयर मिसाइल जो होता है वो हमारे प्लेन के ऊपर फायर कर देता है और हमारे प्लेन के बाकी 2 सिस्टम फेल हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी इसराइल के पास एक और सिस्टम मौजूद है जिसका नाम एक्स गार्ड टोर डिकर सिस्टम है। और इसमें होता क्या है कि सिस्टम प्लेन की विंग सेक्शन में लगा होता है और एक्टिवेट करने के बाद जैसे एरियल टैंकर से फ्यूल पाइप पीछे की तरफ जाता है, ठीक वैसे ही इसमें एक वायर की मदद से टोर डिकॉय सिस्टम जो होता है वो पीछे चला जाता है और पीछे से आने वाला कोई भी मिसाइल सबसे पहले इससे टकराता है और हमारा प्लेन जो होता है वो बच जाता है। अभी तक हमने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के बारे में बात किया है ये सभी के सभी काफी नए सिस्टम है, और इसराइल इनको थर्ड पैट्रियट या फिर बैराक 8 जैसे सिस्टम के साथ जरूर टेस्ट किया होगा, लेकिन इनको S-400 सिस्टम के खिलाफ टेस्ट किया गया या नहीं किया गया इसको लेके कोई एक्चुअल डाटा नहीं पता है। लेकिन ये सिस्टम 2019 के आसपास लॉन्च हुए थे जो कि S-400 के काफी बाद लॉन्च हुए हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि ये S-400 सिस्टम के खिलाफ भी इफेक्टिवली काम कर पाएंगे,
और अगर इंडियन एयरफोर्स इनको एक्वायर करता है तो हमारे जगुआर और मिराज जैसे एयरक्राफ्ट चाइनीज एयरस्पेस में जाके चाइनीज एयरवेज या फिर चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर हमला करके आ सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कल जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं आप आगे भी हमारे चैनल को उसी तरीके से प्यार करते रहेंगे। और जितने भी लोग आज पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगला अपडेट बोइंग की F-15EX फाइटर जेट को लेके है। गुस्टाफ डिफेंस साइट के मुताबिक बोइंग अभी महिंद्रा डिफेंस और HAL के साथ मिलकर F-15EX को इंडियन एयरफोर्स के MMRC टेंडर में पुश करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर बोइंग की तरफ से दो दो एयरक्राफ्ट ऑफर किए गए हैं, एक तो F-15EX और दूसरा F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 है। इनमें से अगर कोई भी एक एयरक्राफ्ट सिलेक्ट होता है तो बोइंग महिंद्रा डिफेंस और HAL इनको जॉइंटली मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। अब F-15EX की बात करें तो ये एक हैवीवेट कैटेगरी का फाइटर है और इसको हम SU-35 के अगेंस्ट में पिट कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर ये वेपन कैरिंग कैपेसिटी में वो इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाले सभी कंपटीटर्स को पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि ये एक ही बार में 22 एयर टू एयर मिसाइल को कैरी कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ खामियां भी है। अगर इसको MMRC टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाले बाकी सभी कंपटीटर के साथ कंपेयर किया जाता है तो इसका रडार क्रॉस सेक्शन सबसे ज्यादा है, और अभी भले ही इसमें F-35 की एवियोनिक्स को ऐड किया गया है लेकिन फिर भी ये मॉडर्न डे वॉरफेयर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अभी इसके RCS को मिनिमाइज करने के लिए भी स्टेल्थ कोटिंग ऐड किया गया और साथ ही इसमें इंटरनल वेपन बे भी दिया गया जिसमें ये 4 मिसाइल को कैरी कर सकता है, लेकिन इसका रडार क्रॉस सेक्शन तब भी रफेल या फिर यूरोफाइटर जितना कम नहीं हो सकता है, और यहाँ तक कि F-18 जितना भी इसका RCS नहीं हो सकता है। इसको हम SU-35 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट ये तर्क रखते हैं कि इसको यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स भी अभी खरीद रही है, और अगर इतना अच्छा नहीं है तो यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स में अभी इसके 80 यूनिट क्यों ऐड किए जा रहे हैं। वहीं पर कतार भी अभी 36 F-15EX को खरीदने वाला है। हो सकता है उनके रिक्वायरमेंट अलग हो और हो सकता है उनको एयर सुपीरियरिटी फाइटर चाहिए हो, लेकिन हमें अभी एक मीडियम वेट क्लास का मल्टी रोल फाइटर चाहिए जिसे मेनली स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और यहाँ पर उनकी रडार क्रॉस सेक्शन काफी मायने रखता है, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स की MMRC टेंडर में F-15 के सिलेक्ट होने के चांसेस ना के बराबर है। और अगर इंडियन एयरफोर्स को F-15 की स्टैंडर्ड का फाइटर चाहिए होगा यानी कि हैवी वेट क्लास का फाइटर चाहिए होगा तो वो F-15 के बदले आंख बंद करके SU-35 को खरीद लेंगे, क्योंकि पहले ही हमारे पायलट रशियन सिस्टम के साथ फेमिलियर हैं और सुखोई की मेंटेनेंस और वेपन के लिए हमें एडिशनल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन F-15 के लिए हमें कंप्लीट इको सिस्टम को बनाना पड़ सकता है। अगला अपडेट आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर है। एक बात तो आप सभी को पता होगा कि लद्दाख में भारत और चाइना के बीच तनाव के बढ़ने के बाद भारत की तरफ से लद्दाख में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया गया था, लेकिन अभी कुछ अपडेट सामने आई है जिसके मुताबिक इंडियन आर्मी अभी जल्दी से एडिशनल 2 आकाश वानस रेजिमेंट को खरीदने वाली है, लेकिन इस बार इंडियन आर्मी की तरफ से काफी ज्यादा मिसाइल को भी खरीदा जाएगा। इस डील की कीमत करीब 14,000 करोड़ होने वाली है और इसमें आकाश वानस सिस्टम के साथ साथ 2,000 मिसाइल खरीदे जाएंगे। आकाश वानस सिस्टम की बात करें तो एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम है और इसकी इफेक्टिवनेस काफी ज्यादा है। DRDO की तरफ से जब से इसमें एक नया सीकर लगाया गया है तब से इसका किल प्रोबेबिलिटी काफी बेहतर हो चुका है। अभी अगर ये ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो इन मिसाइल्स को भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा जो कि पहले से इनको मैन्युफैक्चर कर रही है, और DRDO की तरफ से इनकी टेक्नोलॉजी को पहले से ही भारत डायनामिक लिमिटेड को दिया जा चुका है। ये अभी हर महीने करीब 100 मिसाइल को बना सकते हैं और सेम मिसाइल को अभी वियतनाम की तरफ से खरीदने के लिए भारत के साथ बातचीत किया जा रहा है। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये डील अभी इमरजेंसी बेसिस पर किया जा रहा है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये डील 2019 में पास हुआ था जो कि तब से पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन अभी मुश्किल पड़ने की वजह से इसको जल्दी से फाइनल कर रहे हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। आप सबको पता होगा कि कल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी या फिर परमानेंट लूजर आर्मी 2 से 3 किलोमीटर पीछे जा चुकी है, लेकिन बाद में जब सब नॉर्मल हो जाएगा तो इंडियन आर्मी वापस अपना पेट्रोलिंग जारी रखने वाला है। अभी भले ही तनाव को कम करने के लिए इंडियन आर्मी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से थोड़ा पीछे है, पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लगातार बॉर्डर में नजर रखा जा रहा है, और अभी रात के वक्त में भी इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 और अपाची जैसे हेलीकॉप्टर बॉर्डर में लगातार निगरानी रख रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये कि इंडियन एयरफोर्स के पास अभी 22 अपाची हेलीकॉप्टर हो चुके हैं,
पिछले साल तक इंडियन एयरफोर्स को 17 अपाचे हेलीकॉप्टर मिल गए थे और आखिरी बैच को हमें मार्च तक डिलीवर करना था, लेकिन पेंडेमिक की वजह से डिले हो गया था। पर 5 मई को जब चाइना और भारत के बीच तनाव बढ़ने लगा तो सेंटर की तरफ से बोइंग को इमरजेंसी बेसिस पर आखिरी अपाचे हेलीकॉप्टर की बैच को सप्लाई करने के लिए कहा गया था और बोइंग की तरफ से भारत की रिक्वेस्ट को रखते हुए तुरंत ही आखिरी बैच को डिलीवर कर दिया गया। अभी हेलीकॉप्टर कब भारत को डिलीवर किया गया इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चला था। अपाचे के साथ साथ चिनूक हेलीकॉप्टर भी अभी एक मेजर रोल को प्ले कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वर्टिकल लिफ्ट कैपेबिलिटी की बात करें तो हैवी लिफ्टिंग की कैटेगरी में हमारे सभी MI-26 हेलीकॉप्टर अभी ओवरहॉल होने के लिए गए हुए हैं और अभी हम ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए MI-17 के ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन चिनूक के आ जाने से ये काफी आसान हो गया है और ये कहीं पर भी ट्रूप से लेके हथियार और खाने पीने का सामान आसानी से पहुंचा सकता है। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट की तरफ से है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि रिसेंटली भारत की तरफ से 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है। अब इसको लेके कुछ लोग छाती पीट रहे हैं, कुछ लोग सरकार को दोष दे रहे हैं और कुछ लोग ऐसे ही चुपचाप बैठे हुए क्योंकि अब वो सर पे अंडा पीट के उसको कंटेंट नहीं बोल सकते हैं। पर कुछ भी हो, ये जो एल्गार यूट्यूब से शुरू हुआ था वो काफी हद तक पूरा हो चुका है और अभी जो लोग भारत को सवाल कर रहे थे क्यों टिकटॉक जैसे छपरी ऐप को बैन कर दिया गया था, तो उनको अभी एक और झटका लगने वाला है। यूनाइटेड स्टेट की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने रिसेंटली बताया कि भारत जिस तरीके से चाइनीज ऐप्स को बैन कर रहा है ठीक उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी चाइनीज ऐप्स को बैन करने के लिए एक प्रोविजन को बनाया जाएगा और इसमें टिकटॉक का नंबर सबसे पहले है। और अगर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से टिकटॉक को बैन कर दिया जाता है तो ग्लोबली टिकटॉक अपना 60% के आसपास मार्केट खो सकता है और यूनाइटेड स्टेट के अलावा अभी ऑस्ट्रेलिया भी इसको बैन कर सकता है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट की तरफ से कुछ रिपोर्ट सामने आई है जहां पर यह बताया गया कि चाइनीज एग्रेशन के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट भारत का समर्थन करता है और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडियोस ने भी बताया कि जरूरत पड़े तो भारत को यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री सपोर्ट करने से भी पीछे नहीं हटेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।